कल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक 5 पॉइंट की एक नोटिस जारी किया है, जिसमें एक तुगलकी फरमान जारी किया है कि जो छात्र स्टूडेंट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रह रहे हैं वो फौरन खाली करके अपने घर चले जाएं। और उसके अलावा उन्होंने ऑर्डर दिया है प्रॉक्टर को और एडमिनिस्ट्रेशन को कि उन्हें चेक करें और सिक्योरिटी की पर्पज़ से सारी चीज़ें मुहैया कराएं हर चीज़। तो हम मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सिर्फ क्या जो वैक्सीन का प्रोसेस है, जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है, सिर्फ फैकल्टी मेंबर या स्टाफ सिर्फ वही लोग इसकी जो है चीज़ें हासिल कर सकते हैं? क्या स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी का पार्ट नहीं है और ये कोई स्कूल नहीं है, ये यूनिवर्सिटी है, ज़िम्मेदार लोग पढ़ते हैं और इसमें बाकायदा जो मेच्योर लड़के हैं वो पढ़ते हैं। तो ऐसे लड़कों को इस वक्त अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस से निकाल करके उनको ज़िले भेज दिया जाए जहां पर ज़िलों में ना तो मेडिकल फैसिलिटी सही है, ना वहां वैक्सीन का कोई मामला सही है, ना वहां पर कोई ऑक्सीजन की सही चीज़ें हैं मुहैया हो पा रही हैं। जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फैसिलिटीज़ हो सकती थी, मिल सकती हैं आसानी से, वो और कहीं नहीं मिल सकती। तो ऐसे वक्त में ऐसा तुगलकी फरमान जारी करके एडमिनिस्ट्रेशन पता नहीं क्या साबित करना चाह रहा है। और हर साल जो मेंटेनेंस के नाम पर ये बार बार एक नोटिस जारी किया जा रहा है कि मेंटेनेंस के नाम पर एमयू का कैंपस खाली किया जाए, तो ये बहुत अफसोस की बात है कि कभी भी कोई भी साल में कभी भी ऐसा होता नहीं है, खाली करके और काम नहीं होता है। एमयू छुट्टी होती है, यूनिवर्सिटी बंद हो जाता है, सारे काम बंद हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें होना नहीं चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो फंड हैं वो सही जगह जहाँ इस्तेमाल होना चाहिए वहाँ पर नहीं हो रहा है। तो मैं बस यही सवाल करना चाह रहा हूँ कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन जो छात्रों को इस वक्त बुला करके वैक्सीन लगवाने की ज़रूरत थी, उनके लिए अलग से कैंप लगा करके वैक्सीन लगाने की ज़रूरत थी, वो बच्चों को यहाँ जो बचे हुए हैं 400-500 उनको घर भेजने में इतनी जो है ज़िम्मेदारी अपनी क्यों दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वो बच्चे इस स्टूडेंट या हम छात्र इस यूनिवर्सिटी का हिस्सा नहीं हैं? हम सवाल कर रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ से। मैं फैज़ुल हसन, पूर्व अध्यक्ष छात्र संघ।